हेलो दोस्तों, मेरे गोरखपुरी रसोई चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसे ढोकला कहते हैं और इसे सभी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से ढोकला बनाएंगे। तो पहला ढोकला हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है और इसे अच्छे से एक स्ट्रेनर से छान लिया है ताकि जो मोटे मोटे बेसन के टुकड़े हैं वो अच्छे से छन जाएँ और हम लोगों का ढोकला सॉफ्ट बने। तो देखिए, हम लोग ने स्टेशन से इसे छान लिया है और अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी आधा चम्मच, एक चुटकी हींग। इसमें मैंने डाला है एक चम्मच रवा, एक चम्मच नींबू का रस और तीन चम्मच मैंने इसमें दही मिक्स किया है जिससे ढोकले में बहुत ही अच्छा खट्टापन आएगा। फिर बारीक कटी हुई आधा चम्मच मैंने हरी मिर्च डाली है और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है एक चम्मच। इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक बैटर जैसा बनाते जाएंगे। इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है और एक ही वे में हम लोगों को मिक्स करना है, अपोजिट साइड में मिक्स नहीं करना है। तो आप इसे जितना मिक्स करेंगे ये आपका ढोकला उतना ही लाइट और स्पंजी बनेगा। लगभग आपको 10 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए, यहाँ पे बैटर हमने रेडी कर लिया है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ये बैटर। तो आप लोग हम लोग इसमें इनो मिला देंगे, फ्रूट सॉल्ट जो होता है, और ये अच्छे से इसमें बबल्स आ जाएंगे, बहुत ही लाइट हो जाएगा ये। ये आप तभी करें ये प्रोसेस जब आपका स्टीमर रेडी हो या कुकर में आपने स्टीम अच्छे से बना लिया हो और जो इसका बर्तन है जिसमें हम लोग बनाएंगे तो उसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि ढोकला इस बोल में से अच्छे से निकल आए और चिपके ना। तो देखिए, ये बैटर हम लोग अब इसमें डाल देंगे। ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आप अपना स्टीमर रेडी रखें क्योंकि जो इसके बबल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और ढोकला आपका स्पंजी बनेगा नहीं फिर। तो इसे हम लोग चम्मच से अच्छे से बराबर करके रख लेंगे और ये देखिए स्टीम अच्छे से आ गया है और मैं इसमें रख रही हूँ लगभग 15 मिनट मैं इसमें रखूँगी। आप चाहें तो आप कुकर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, नीचे कोई कटोरी या कोई स्टैंड रख के आप उसमें अपना ये जो बर्तन है बनाने वाला बाउल है आप उसको उसमें सेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 10-15 मिनट हो गया है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैं यहाँ पे चाकू से मैंने चेक किया है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो इस और साइड साइड से ये एकदम भी छूट गया है, अच्छे से छोड़ दिया है। तो देखिए, अब हम लोग इस तरह से इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा ढोकला ये हम लोगों का बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही स्पंजी भी है। अब इसे हम लोग इस तरह से कट करेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक ढोकला आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही स्पंजी बना है। अब हम लोग इसके तड़के की तैयारी करेंगे जो ढोकले में और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर काली मोटी वाली राई मैंने यहाँ पे डाली है और 5 पीस मैंने हरी मिर्च स्लिट की हुई डाली है और करी के पत्ते। फिर इसे हम लोग हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी यहाँ पे मैंने लगभग आधा कप ऐड कर दिया है। फिर इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच चीनी क्योंकि हम लोगों को ये थोड़ा सा जूसी बनाना है तो थोड़ा इसीलिए मैंने इसमें पानी भी मिक्स किया है और चीनी खट मिट्टा थोड़ा सा रहेगा। नमक भी मैंने आधा चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है और नींबू मैंने
आधा चम्मच डाला है। इससे जो हम लोगों का ढोकला है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब ये तड़का हम लोग ढोकले के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा पानी कम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जूसी ढोकला नहीं पसंद है। तो ये देखिए हम लोगों का ढोकला, जो फर्स्ट रेसिपी है ढोकले की, वो रेडी है। और यहाँ पे मैं देखिए चेक कर रही हूँ, इतना स्पंजी बना है, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और स्पंजी है और बहुत ही टेस्टी भी है ये। तो देखिए पहला रेसिपी ढोकले का हम लोगों का तैयार है। अब हम लोग दूसरे तरह की ढोकले की रेसिपी भी यहाँ पे देखेंगे जो और भी ज़्यादा यमी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बोल लेंगे जिसमें मैंने ग्रीस कर लिया है, और वैसे ही बैटर हम लोग रेडी करेंगे जैसे मैंने पहले वाले ढोकले में रेडी किया था। फिर हम लोग ग्रीस किए हुए बोल में इसे बैटर को डाल देंगे और हल्का सा टैप करेंगे ताकि जो बबल्स हैं वो सेट हो जाएं। फिर इसके बाद मैंने लिया है पनीर के स्लाइसेस और मैंने इस पे रख दिया है पनीर। इस तरह से हमने इसे प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग फिर से बैटर डालेंगे थोड़ा सा और पनीर जिसे ढक जाएगा। बहुत ही सावधानी से हम लोगों को ये करना है। ये देखिए मैंने इस पे अच्छे से बैटर फैला दिया है और ये बहुत ही जल्दी जल्दी आपको करना है ताकि इसका जो बबल्स है वो कम ना हो जाए बैटर का। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको यमी बनाने के लिए, इसमें मैंने चटनी का यूज़ किया है, ग्रीन चटनी का, जो धनिया और हरी मिर्च और मिर्च से बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग एक लेयर चटनी का भी लगा देंगे इस पे। फिर से यही प्रोसेस हम लोगों को करना है, बैटर डालना है ऊपर से। और ये अब हम लोग स्टीमर में रखेंगे अपने। तो यहाँ पे स्टीम अच्छे से बन चुका है स्टीमर में, इसे हम लोग इसमें रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। यही ढोकला आप बहुत ही आसानी से अपने घर में किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, कुकर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक चाकू से चेक करेंगे और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा है, एकदम क्लीन हम लोगों का ये चाकू है निकला है। तो अब हम लोग इसे थोड़ा सा ठंडा करके प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। इसे भी कट करेंगे स्क्वायर शेप में। तो देखिए जो चटनी का लेयर है, आपकी हरी चटनी का लेयर है और जो पनीर का लेयर है, जब भी आप ढोकला खाएंगे तो इसके टेस्ट को ये दुगना कर देगा। इस पे हम लोग फिर उसी तरह से जैसे पहले मैंने ढोकले पे तड़का दिया था, उसी तरह से इस वाले पे भी हमने तड़का दिया है। ये ढोकला बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही हेल्दी भी होता है, बच्चे भी खाना बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसमें पनीर के जो स्लाइसेस है वो बहुत ही यमी लगते हैं खाने में। तो देखिए बहुत ही स्पंजी बना है, सॉफ्ट बना है। देखिए पनीर और चटनी का लेयर जो है वो दिख रहा है। तो इसे हम लोग ऊपर से नारियल से, ग्रेट किए हुए नारियल से और इस तरीके से, इस तरह से हम लोग इसको गार्निश करेंगे, सजा देंगे। तो ये ढोकला, दो तरह का ढोकला यहाँ पे हमने रेडी किया है आज। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनती है और इसे
सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं खाना। आप चाहें तो इसमें हल्का सा तड़के में रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के दो तरह के ढोकले बनकर रेडी हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी कुकिंग स्टाइल, मेरा रेसिपीज़ बहुत ही अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी रेसिपीज़ जो न्यू है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।